नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके और अपने फेवरेट सुपरस्टार स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की सभी फिल्मों के बारे में, और आपको बताएंगे दोस्तों अल्लू अर्जुन ने अपने करियर में अब तक कितनी फिल्में बनाई है, जिसमें से कितनी फिल्में हिट रही और कितनी हो गई ब्लॉकबस्टर। साथ ही साथ उन सभी फिल्मों का आपको बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अल्लू अर्जुन के करियर में आपकी सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों, स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी गंगोत्री फिल्म से, जो रिलीज हुई थी 2003 में। बता दो दोस्तों, गंगोत्री फिल्म का बजट था लगभग 3 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड लगभग 11 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। और यहाँ पे अल्लू अर्जुन की पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रही थी हिट। वही दोस्तों अल्लू अर्जुन की दूसरी फिल्म थी, जिसका नाम था आर्या। जी हाँ दोस्तों, आर्या आई थी 2004 में और इस फिल्म का बजट था 5 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से कमाई की थी लगभग 20 करोड़ रुपए। और दोस्तों आर्या फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रही थी ब्लॉकबस्टर हिट। वही दोस्तों अल्लू अर्जुन के करियर की तीसरी फिल्म थी बनी, जो रिलीज हुई थी 2005 में। फिल्म का बजट था 15 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 46 करोड़ रुपए। और दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रही थी सुपर हिट। वही दोस्तों अल्लू अर्जुन के करियर की चौथी फिल्म थी हैप्पी, जो रिलीज हुई थी 2006 में। फिल्म का बजट था 15 करोड़ रुपए और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी लगभग 30 करोड़ रुपए। और दोस्तों हैप्पी फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर रही थी हिट। वही दोस्तों इनके करियर की पांचवी फिल्म थी, जिसका नाम था देश मधुरु, जो रिलीज हुई थी 2007 में। फिल्म का बजट था 10 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड मार्केट से कमाई की थी 29 करोड़ रुपए की। और देश मधुरु फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रही थी ब्लॉकबस्टर हिट। वही दोस्तों अल्लू अर्जुन के करियर की छठी फिल्म थी परागु, जो रिलीज हुई थी 2008 में। आपको बता दूं दोस्तों, परागो फिल्म वही है जिसका बॉलीवुड में रीमेक हीरोपंती नाम से बना था। तो दोस्तों परागो फिल्म का बजट 10 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 30 करोड़ रुपए और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर रही थी हिट। वही दोस्तों अल्लू अर्जुन के करियर की सातवीं फिल्म थी, जिसका नाम था आर्या 2। जी हाँ दोस्तों, आर्या 2 तो आप सभी ने देखी होगी। इस फिल्म के बाद ही अल्लू अर्जुन की जो फैन फॉलोइंग है वो पूरी दुनिया में काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि आर्या 2 फिल्म जो रिलीज हुई थी 2009 में और इस फिल्म का बजट था 15 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से कमाई की थी 32 करोड़ रुपए। और दोस्तों आर्या 2 भी बॉक्स ऑफिस पर रही थी हिट। वही दोस्तों आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन के करियर की आठवीं फिल्म थी वरुडू, जो रिलीज हुई थी 2010 में। फिल्म का बजट था 30 करोड़ रुपए और दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई सिर्फ 19 करोड़ रुपए की कमाई थी। और आपको बता दें दोस्तों, वरुडू फिल्म अल्लू अर्जुन के करियर के पहले डिजास्टर फिल्म बनी थी। वही दोस्तों इनके करियर की नौवीं फिल्म थी वेदम, जो रिलीज हुई थी 2010 में। अब आपको बता दूं दोस्तों, वेदम फिल्म अल्लू अर्जुन के करियर की अब तक की मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है, क्योंकि वेदम की स्टोरी काफी शानदार थी। इसके अलावा इस फिल्म में अल्लू अर्जुन की जो एक्टिंग थी वो मुझे अब तक की सबसे बेस्ट एक्टिंग लगी थी। तो दोस्तों अगर बात करें हम वेदम फिल्म के बजट और कलेक्शन की, तो दोस्तों 2010 में रिलीज हुई वेदम फिल्म का बजट था 17 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 26 करोड़ रुपए और ये फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर टैग मिला था एवरेज का। वही दोस्तों इनके करियर की दसवीं फिल्म थी बद्रीनाथ, जिस फिल्म में इनके साथ में थी तमन्ना भाटिया। और बद्रीनाथ रिलीज हुई थी 2011 में। फिल्म का बजट था 20 करोड़ रुपए और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 40 करोड़ रुपए। और दोस्तों बद्रीनाथ भी बॉक्स ऑफिस पर रही थी सुपर डुपर हिट। वही दोस्तों अल्लू अर्जुन के करियर की 11वीं फिल्म थी जुलाई, जो फिल्म यूट्यूब पर काफी ज्यादा सुपर हिट हुई थी हिंदी डब में भी। अगर बात की जाए इस फिल्म की रिलीजिंग की, तो दोस्तों जुलाई फिल्म रिलीज हुई थी 2012 में। फिल्म का बजट था 36 करोड़ रुपए और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड मार्केट से ग्रॉस कलेक्शन 103 करोड़ का किया था और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर रही थी सुपर हिट। वही दोस्तों अल्लू अर्जुन के करियर की 12वीं फिल्म थी इदरा माइलो, हालांकि इसका नाम मुझे सही से प्रोनाउंस करते हुए नहीं आ रहा है, क्योंकि तेलुगु नाम और काफ़ी डिफिकल्ट नाम है। लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि इस फिल्म को हिंदी में शायद डेंजरस खिलाड़ी 2 के नाम से रिलीज किया गया था। खतरनाक खिलाड़ी या डेंजरस खिलाड़ी 2, मुझे सही से याद नहीं, आपको पता हो ही जाएगा। तो दोस्तों आपको बता के देंगे, इदरा माइलो फिल्म का बजट लगभग 40 करोड़ रुपये था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस
पर कमाई की थी 70 करोड़ रुपए की और इस फिल्म को टैग मिला था एवरेज का। वही दोस्तों अल्लू अर्जुन के करियर की 13वीं फिल्म थी रेस गुर्रम। जी हाँ दोस्तों, रेस गुर्रम फिल्म को तो आपने कई बार देखा होगा, मतलब कि एक बार देखने के बाद भी रेस गुर्रम फिल्म को आप 10 बार देख लो, ये फिल्म आपको बोर नहीं करती। तो दोस्तों रेस गुर्रम फिल्म जो रिलीज हुई थी 2014 में, फिल्म का बजट था 35 करोड़ रुपए और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 130 करोड़ की। और दोस्तों रेस गुर्रम फिल्म रही थी ब्लॉकबस्टर हिट। वही दोस्तों अल्लू अर्जुन के करियर की 14वीं फिल्म थी रुद्रामा देवी, जो रिलीज हुई थी 2015 में। अब आपको बता दूं दोस्तों, रुद्रामा देवी फिल्म में अल्लू अर्जुन का पूरा रोल तो नहीं था, सिर्फ एक कैमियो था, लेकिन फिर भी ये अल्लू अर्जुन के करियर में जुड़ने वाली फिल्म है। तो दोस्तों आपको बता दें कि रुद्रामा देवी फिल्म का बजट था 60 करोड़ रुपये और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 86 करोड़ रुपये की और रुद्रामा देवी फिल्म रही थी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज। वही दोस्तों अल्लू अर्जुन के करियर की 15वीं फिल्म थी सन ऑफ सत्यामूर्ति, जो रिलीज हुई थी 2015 में ही। इस फिल्म का बजट था लगभग 45 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से कमाई की थी 93 करोड़ यानी 93 करोड़ रुपए। और दोस्तों इस फिल्म को तेलुगु स्टेट में एवरेज का टैग मिला था। वही दोस्तों अल्लू अर्जुन के करियर की 16वीं फिल्म जिसका नाम है सरायनाडु। जी हाँ दोस्तों, सरायनाडु एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म ने यूट्यूब पर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, मतलब कि जब इस फिल्म को हिंदी डब में रिलीज किया था तो पहली बार अपलोड करते ही इस फिल्म को 200 मिलियन से ज़्यादा व्यूज मिले थे। और लेकिन दोस्तों किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये फिल्म यूट्यूब से डिलीट हो गई। उसके बाद गोल्डमाइन टेलीफिल्म्स ने इस फिल्म को वापस से रीअपलोड किया, जिसके बाद भी इस फिल्म को 250 मिलियन के लगभग व्यूज फिर से मिल गए और ये फिल्म हिंदी ऑडियंस के बीच में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गई। हालांकि दोस्तों बात की जाए सरायनाडु के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों 2016 में रिलीज हुई सरायनाडु फिल्म जिसका बजट था 50 करोड़ रुपये और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से 128 करोड़ की कमाई करके ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल किया था। वही दोस्तों अल्लू अर्जुन के करियर की 17वीं फिल्म थी डीजे यानी कि दुआड़ा जगन्नाथम। आपको बता दें दोस्तों, दुआड़ा जगन्नाथम फिल्म जो कि रिलीज हुई थी 2017 में और इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ नजर आई थी पूजा हेगड़े। बता दूं दोस्तों, डीजे फिल्म का बजट था 47 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड मार्केट में 114 करोड़ की कमाई करके सुपर हिट का टैग हासिल किया था। वही दोस्तों अल्लू अर्जुन के करियर की 18वीं फिल्म थी ना पेरू सूर्या ना इलू इंडिया। जी हाँ दोस्तों, ना पेरू सूर्या ना इलू इंडिया जो कि अल्लू अर्जुन की लास्ट हिंदी डब रिलीज फिल्म है। आपको बता दूं दोस्तों, ना पेरू सूर्या ना इलू इंडिया जो कि रिलीज हुई थी 2018 में, फिल्म का बजट था 38 करोड़ रुपए और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड मार्केट में ग्रोस कलेक्शन किया था 92 करोड़ यानी कि 92 करोड़ रुपए का और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर रही थी हिट। वही दोस्तों अल्लू अर्जुन की लास्ट रिलीज फिल्म जिसका नाम है आला वेकुंटा पुरमोलो, जो कि इसी साल यानी कि 2020 में रिलीज हुई थी जनवरी के महीने में। आपको बता दें दोस्तों, आला वेकुंटा पुरमोलो फिल्म के साथ में महेश बाबू की फिल्म का भी क्लेश हुआ था, लेकिन क्लेश होने के बाद भी आला वेकुंटा पुरमोलो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रही थी एक बड़ी ब्लॉकबस्टर। जी हाँ दोस्तों, आला वेकुंटा पुरमोलो फिल्म का बजट लगभग 80 करोड़ रुपए का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से कमाई 250 करोड़ रुपए की थी। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आला वेकुंटा पुरमोलो फिल्म रही थी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट। साथ ही साथ ये फिल्म अल्लू अर्जुन के करियर की भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। तो दोस्तों ज्यादातर अल्लू अर्जुन के करियर की सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट रही है, सिर्फ एक फिल्म के अलावा। तो दोस्तों आने वाले समय में भी हमें अल्लू अर्जुन की कई सारी फिल्में देखने को मिलेगी, जिसमें से उनकी अपकमिंग फिल्म है पुष्पा जो कि डायरेक्ट हिंदी में भी रिलीज होगी। तो दोस्तों पूरी उम्मीद है कि अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा आला वेकुंटा पुरमोलो का भी रिकॉर्ड तोड़कर बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 5 भाषाओं में 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई करेगी। वैसे दोस्तों पुष्पा फिल्म जब हिंदी डब में डायरेक्ट थिएटर रिलीज होगी तो आप इस फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाएंगे या नहीं, अपनी राय आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अल्लू अर्जुन से जुड़ी हर एक बड़ी खबर के लिए मेरे और आपके इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।